नमस्ते, उपस्थित एक नया वीडियो लेकर आज मैं आप लोगों को बेयरर चेक क्या है, क्रॉस चेक क्या है, ऑर्डर चेक क्या है, उसको मैं आपको एक चेक पर आपको प्रूफ के तौर पर बताऊंगा और डिफरेंस तीनों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये भारतीय स्टेट बैंक का एक चेक है। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप डेट भर लेते हैं। डेट भर लेने के बाद देखिए, इस चेक पर लिखा हुआ है कि कोया या उनके आदर्श पर, यानी और या ऑर्डर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेयरर चेक क्या है। तो बेयरर चेक का मतलब ये हुआ कि आपने जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ था, जिसका ये अकाउंट होता है यानी कि जिसका चेक होता है उसका नाम लिखा हुआ था यहाँ पर, वो सिग्नेचर कर देगा। ठीक है, अगर वो सिग्नेचर कर दिया और उसके बाद उसको कितना पैसे देना है वो लिख दिया, मान लीजिए उनको 1 लाख रुपये देना है। ठीक है, तो 1 लाख रुपया लिख दिया। ठीक है, वनली लिख के उसके बाद 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लिख दिया। इतना कर देने के बाद अगर वो यहाँ पर नाम नहीं लिखता है, यानी कि इसको जो 1 लाख रुपया देना है वो किसको देना है वो यहाँ नहीं लिखता है, तो बेयरर चेक हो जाता है। यानी कि बेयरर चेक का सीधा सा जवाब है कि जिसके हाथ में ये चेक गया वही उनका मतलब चेक का हकदार होता है। बेयरर चेक का मतलब ही यही होता है। या तो आप यहाँ पर सेल्फ लिख दें, अगर आप सेल्फ भी लिख देते हैं तब भी ये बेयरर चेक के ही कैटेगरी में आता है। यानी कि बेयरर चेक का मतलब ही यही होता है कि जिसके हाथ में चेक गया वही हुआ उस चेक का मालिक। तो बेयरर चेक का मतलब ये हो गया। अब बात करते हैं कि ऑर्डर चेक क्या होता है। तो ऑर्डर चेक का मतलब हुआ है अगर इस सेल्फ जगह पर, यानी कि आप यहाँ सेल्फ नहीं लिखेंगे और किसी का नाम लिख देंगे जिसको आपको देना है, जैसे कि आपको राम कुमार को देना है। ठीक है, अगर आपने राम कुमार का नाम लिख दिया तो ये ऑर्डर चेक हुआ, यानी कि अब जो पैसे आप देंगे वो सिर्फ राम कुमार को ही जाएगा, किसी और को नहीं जा सकता है। बेयरर चेक में क्या था, यहाँ आपने नाम नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ सेल्फ लिखा था, या आप अगर इसे खाली छोड़ देते हैं तो वो बेयरर चेक, यानी कि कोई भी इस पैसे को उठा सकता है, निकाल सकता है। कहीं अगर गुम हो जाता है बेयरर चेक के माध्यम से तो कोई भी इसको पैसे निकाल सकता है, लेकिन राम कुमार पक्ष में अगर ये गुम हो जाता है तो राम कुमार के अलावा कोई भी इस चेक से पैसे नहीं निकाल सकता है। तो ऑर्डर चेक का मतलब ये हुआ, यानी कि किसी को ऑर्डर देना। अब बात करते हैं कि क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रॉस चेक का मतलब ये होता है कि अगर आपने इस कोना पर 2 लकीर खींच दिया, तो अब ये क्रॉस चेक का मतलब हुआ कि अब जो इसमें पैसे होंगे यानी कि 1 लाख, ये अब सिर्फ उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर होंगे, यानी कि कैश नहीं। इससे पहले जो मैंने बेयरर चेक और ऑर्डर चेक के बारे में बताया, बेयरर चेक और ऑर्डर चेक में कैश पैसे निकालता है, यानी कि कैश पैसे आप निकाल सकते हैं। बट ये क्रॉस चेक जो है, क्रॉस चेक में पैसे जाएंगे सिर्फ अकाउंट में। तो सबसे सुरक्षित जो होता है ये क्रॉस चेक ही होता है, क्योंकि जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है उसके बारे में सारा जानकारी होता है, तो इसमें कोई भी फ्रॉड होने का जल्दी चांस नहीं रहता है। लेकिन सबसे अगर रिस्की की बात करें तो वो होता है बेयरर चेक का, क्योंकि बेयरर चेक में एक तो आप नाम नहीं लिखते हैं कि किसके अकाउंट में देने जा रहे हैं, बस आपने पैसा लिख दिया और उसके बाद सिग्नेचर कर दिया। अब इस पर कौन पैसा उठाएगा इसके बारे में तो कोई पता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा रिस्की आपका बेयरर चेकिंग होता है, उससे थोड़ा रिस्की ऑर्डर चेक होता है, क्योंकि राम कुमार के नाम से है, राम कुमार के नाम से कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है अगर कहीं गुम हो चुका, और राम कुमार कहीं हाथ में भाग्यवश मिल गया तो वो अपना आईडी लगा के निकाल सकता है। और एक चीज़ और बताएंगे कि ऑर्डर चेक में जिसका भी आपने नाम दिया है उसके नाम को उसको अपना आईडी दिखाना होता है, उसके बाद ही जाके पैसा निकलता है। तो बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक के बारे में आपने समझा। अब एक और चेक होता है, गिफ्ट चेक होता है। गिफ्ट चेक क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कभी क्रिकेट विकेट में कि जो पैसे कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं या जो जीतने वाले टीम को दिए जाते हैं, उसमें आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा कार्ड लिखा रहता है, छपा रहता है, उस कार्ड पर 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये जितना भी देना होता है उस कार्ड पर लिखा हुआ रहता है, और वो कार्ड देखे होंगे कि खिलाड़ी को दिया जाता है, तो उस पर जो पैसे लिखा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो कार्ड लेकर आप बैंक में जाएंगे तो उस कार्ड से पैसे दिया जाएगा। उसके पीछे एक छोटा सा चेक होता है जो कि पहले से ही दिया रहता है, उस चेक को बड़े में छपवा लिया जाता है, तब जाके ये गिफ्ट चेक बन जाता है, यानी कि गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तो गिफ्ट चेक यही हुआ कि छोटे से चेक को जो पहले से ही दिया रहता है वो बड़े चेक के रूप में उसको बना दिया जाता है, जबकि इस बड़े चेक से आप बैंक से पैसे वो नहीं निकाल पाएगा, उसको निकालना पड़ेगा छोटा वाला चेक से ही। तो गिफ्ट चेक, ऑर्डर चेक, उसके बाद क्रॉस चेक, और उसके बाद बेयरर चेक, इसके बारे में मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।